नेक्स्ट uh, क्वेश्चन 2001 में सवाल पूछा गया uh, सवाल है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सेटेलाइट हैविंग मास एम एंड रोटेटिंग एट अ हाइट ऑफ 6.4 पॉइंट फोर इंटू ट्वेंटी पावर सिक्स मीटर फ्रॉम द अर्थ सर्फेस विल बी हमारे चार ऑप्शन है पॉइंट फाइव एम या एम या फिर टू एम या फिर फोर एम uh, और uh, तीन में इसमें माइनस साइन है एक में पॉजिटिव साइन है नाउ ये बात अपने को पता है कि अपना जो अर्थ uh, है उसका रेडियस आर ई उसको हम कहते हैं आर ई इज इक्वल टू सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर नाओ यहाँ पे भी अगर हम नोटिस करें जो हाइट ऑफ द सेटेलाइट दी हुई है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सेम तो हम ये कह सकते हैं कि आपका प्लानट जो रोटेट कर रहा है एच एच इज इक्वल टू आर आपके इस हाइट पर वो रोटेट कर रहा है नाओ इस जगह पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर और आर की वैल्यू होएगी आर प्लस आर बिकॉज़ आर आपका सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस और उसके ऊपर ये सेम डिस्टेंस आ गया सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय टू आर ये आपकी सेटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अब हमें जो चार ऑप्शन देने हैं वो आपको छोटा जी के टर्म में देना है तो इसको R से मल्टीप्लाई करें R से डिवाइड करें जी एम एम बाई आर स्क्वायर ये छोटा जी बन जाएगा सो so, आपकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी माइनस वन बाय टू एम मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाई आर हैंस बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए विच इज़ जीरो पॉइंट फाइव एम जी आर विद अ नेगेटिव साइन विड बी द राइट आंसर